गुरुग्राम नगर निगम चुनाव का डंका बज चुका है और प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताल ठोक दी है। हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 27 में, जहां से श्रीमती सुदेश धर्मपत्नी उदयवीर सरपंच खांडसा जो चुनाव मैदान में उतरी हैं। और हम आपको बता दें कि उदयवीर सरपंच खांडसा जो भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार थे और वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय थे, और उनको टिकट न मिलने से क्षेत्र में रोष है। और जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि गाँव वासियों ने सारे वार्ड वासियों की सहमति से एक पंचायत कर श्रीमती सुदेश धर्मपत्नी उदयवीर अंजना को चुनावी मैदान में उतारा है। हम बात करते हैं उदयवीर सरपंच से। सरपंच साहब, आज आपने जो चुनावी मैदान में ताल ठोकी है, भाजपा से आप टिकट मांग रहे थे, तो क्या कारण रहे और आपकी वार्ड को लेकर के क्या योजनाएं रहेंगी? मैं काफ़ी टाइम से लगा, जो लास्ट में 2005 में भी मैं सरपंच था और 2008 तक मैं सरपंच रहा था। उसके बाद पिछले जो नगर निगम के चुनाव थे वो मैं मात्र 65 वोट से हार गया था। उसके मेरे अंदर एक काम करने की बहुत ही, मैंने अपने बुजुर्गों की पेंशन से और अपने डोमोचलिया जो भी काम था मैंने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया। और मैं काफ़ी दिन से बीजेपी का उसमें जुड़ा हुआ था, उनसे मैंने टिकट के लिए भी वो किए थी, पर टिकट का किसी कारणवश मेरे को टिकट का वो नहीं मिल पाया। तो फिर मैंने मेरे जो गाँव के थे, पूरे वार्ड के जो लोग थे, उन्होंने सबने ये एकजुट होकर ये कहा कि टिकट नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। और गांव ने, पूरे गांव ने, पूरे वार्ड ने, दोनों गांव नारपुर वगैरह उसने होके पंचायत की और सर्वसम्मति से उन्होंने ये कहा कि भाई आप चुनाव लड़ो या निर्दलीय चुनाव लड़ो, हम पूरा गांव, पूरा समाज, 36 बिरादरी आपके साथ हैं और 36 बिरादरी मेरे साथ है जी। और अभी जो जीतने के बाद मेरी जो प्राथमिकता है, हमारे वार्ड 27 में नारपुर गाँव और खांडसा है, इसमें सबसे भारी कमी तो हमारी ये जमीन जो थी वो हमारी हुड्डा वगैरह ने ले ली थी। हमारे पास कोई भी पंचायती ज़मीन नहीं है और हमने हुड्डा से फाइट कर रहे हैं, HSID से फाइट कर रहे हैं कि हमारे गांव खांडसा और नारपुर में एक कम्युनिटी सेंटर हो। और दूसरा, नारपुर जो हमारे वार्ड में है उसमें पानी की बहुत भारी दिक्कत है जी। वहाँ पानी का एक ट्रीटमेंट, वो अंडरग्राउंड टैंक बनवाने की भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो है। और एक जो सपना होटल से है जो रोड अंदर गई, उसमें एक शिविर की बहुत भारी समस्या, वो भी हमने लोगों के बीच में जाके कही कि ये जैसे ही हम बन के आएंगे और सबसे पहले हमारा ये रहेगा कि आपकी ये शिविर की समस्या वो नहीं रहेगी। उदयवीर अंजना पूर्व सरपंच खांडसा का कहना है कि पार्टी की टिकट से बड़ी भाइयों की टिकट होती है। समस्त खांडसा गांव और नाहरपुर गांव के लोगों ने एकत्रित होकर उदयवीर सरपंच की धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश को चुनाव मैदान में उतारा है। और वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय रहे उदयवीर सरपंच, जो क्षेत्र की समस्याओं से भली भांति परिचित है, उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में जैसे ही वो जीत कर आते हैं, उनकी प्राथमिकता रहेगी कि पूरे समस्त क्षेत्र का विकास करे। हम बात करते हैं युवाओं से और बुजुर्गों से जो आज इनके समर्थन में यहाँ एकत्रित हुए हैं, कि टिकट कटने से इन क्षेत्र के लोगों में एक रोष है और इसलिए उन्होंने उदयवीर सरपंच को चुनाव मैदान में उतारा है। आपका क्या कहना है, ये किस तरह का चुनाव रहेगा और जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? हमारे उदयवीर सरपंच बिल्कुल जीत के नज़दीक हैं। दोनों तीनों गांवों की कॉलोनियों की पंचायत हुई है, उसमें उदयवीर सरपंच का ही समर्थन किया है और ये भारी मतों से जीतते हैं। बीजेपी की टिकट पर उन्होंने प्रयास किया था, पैनल में थे, पहले में किसी कारण से इनको टिकट नहीं मिली, उससे हमारे में रोष है और हमने इंद्रिय चुनाव में उदयवीर सरपंच के साथ समर्थन कर। और टिकट कटने से गांव वासियों और क्षेत्र वासियों में रोष है और उनका मानना है कि उदयवीर सरपंच निश्चित रूप से यह चुनाव जीतेंगे। तो आप उदयवीर सरपंच के साथ कितने दिनों से रह रहे हैं और आपका क्या मानना है, वार्डवासी क्या सोचते हैं? 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है और बहुत ज़्यादा सी वोटों से विजयी होगी और जितने भी गलियों प्रचार कर रहे हैं सारी तरफ से बहुत समर्थन मिल रहा है। 36 बिरादरियों का समर्थन प्राप्त है और जीत निश्चित होगी, यह कहना है उदयवीर के समर्थकों का। और हम पहुंचे थे वार्ड 27 में, जहां पर आज उदयवीर के समर्थक इकट्ठे हुए हैं और उदयवीर की जीत के प्रयास जारी हैं और लोगों का मानना है कि 36 बिरादरी के सहयोग से उदयवीर कैमरामैन रवि कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।